स्वागत है आप सभी का आज के क्विज कॉम्पिटिशन में। तो चलिए क्विज को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण छोटा जी का एसआई मात्र क्या है। छोटा जी का एसआई मात्र छोटा जी का मान कितना है? छोटा जी का मान अमित मीटर पर सेकंड स्क्वायर। छोटा जी का मान अच्छा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? शून्य। पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी के बालक का भार कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर 20 केजी बालक का भार कितना होगा? शून्य। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधी कर देंगे तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? चार गुना। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर अधिकतम होता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना। दाब का एसआई मात्र क्या है? पास्कल। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि। प्रनोद का मात्रक होता है? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक? न्यूटन। घनत्व का एसआई मात्रक? किलोग्राम मीटर क्यूब। क्या होगा अमित घनत्व का एसआई मात्रक? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यूब। दोनों के जवाब गलत हैं। ये क्वेश्चन डिसमिस होता हुआ। भार का मान सभी जगह क्या रहता है? असमान। द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या रहता है? स्थिर। एक किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? 9.8 न्यूटन। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है, उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान 98 न्यूटन। 98 न्यूटन। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रनोद। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? अमित गौतम हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये राउंड गौतम जी क्लियर किए हैं। अब अगले राउंड में मिलते हैं।